नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इक्विटी मार्केट में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जेपी ग्रुप की एक दूसरी कंपनी के बारे में, जिसका नाम है जेपी एसोसिएट। हाल फिलहाल में इस कंपनी में पहले काफ़ी तेजी देखने को मिली थी, लेकिन अभी जो है एक ही दिन से ये लोअर सर्किल में फंस गया है। और काफ़ी अच्छी कंपनी समझ में आ रही थी पहले, लेकिन ये कंपनी लॉस में होने की वजह से, कर्जे में होने की वजह से फिर से गिरावट दिखा रही है। इस कंपनी बहुत ज़्यादा कर्जा है, बहुत कंपनी ने लॉस झेला है। इसका खासकर जो मेन जो है जेपी ग्रुप का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा लॉस में है। इस जो कंपनी को बचा के रखा है, वो कंपनी को बचा के रखा है किसने? जेपी पावर ने। इस वीडियो में हमने आपको बताया, जाके आप ये वीडियो हमारी देख सकते हैं। हम इस वीडियो में किस टॉपिक को कवर करने वाले हैं, आपको बता दूं। हम इसके थोड़ा सा पहले चल के देखेंगे फंडामेंटल्स, कंपनी कितनी स्ट्रांग है, क्या कितनी वीक है, और कंपनी के क्या आगे लेवल्स होने चाहिए, क्या टारगेट होने चाहिए, सब आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चल के हम देखते हैं गूगल फाइनेंस चार्ट पर कंपनी कैसा क्या ट्रेड कर रहा है आज। तो हम ये गूगल फाइनेंस चार्ट पर आ गए, तो इसमें आज जो है लोअर सर्किट आज भी देखने को मिला है। लगभग 5% का इसमें लोअर सर्किट देखा गया है, और 70 पैसे की इसमें गिरावट देखने को मिली है आज के दिन। वीकली बेस पर देखें तो इसमें कल और आज दो दिन लोअर सर्किट देखने को मिला, और इसने 16 जून को अपना हाई बनाया था लगभग 15.60 रुपये का, आप देख सकते हैं। तब से ये लगातार गिरा जा रहा है। इसमें कोई अभी कोई बुरी न्यूज नहीं आई है, लेकिन जो इसकी कंपनी है, कंपनी की हालत बहुत खस्ता है, ये आपको मैं बता दूं। कंपनी की जो काफ़ी सारा सेक्टर है बहुत ज़्यादा लॉस में चल रहा है। इसके बाद पावर सेक्टर ये है जो अच्छा ग्रो कर रहा है, और इसी के सहारे ये ग्रुप है आगे बढ़ रहा है, और उसी से लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि ये पावर सेक्टर इसके सारे कंपनियों को लॉस से बचा लेगा। तो चल के थोड़ा फंडामेंटल स्कोर देख लेते हैं, फंडामेंटली कंपनी क्या स्ट्रॉन्ग है, कितनी खराब है। अगर हम इसके रिटर्न की पहले देख लें, रिटर्न इसने कंपनी कैसे दिए हैं, तो हम 1 मंथ के रिटर्न देखें तो इसके लगभग 75.16% के इसके कंपनी के रिटर्न हैं। और एक साल के अगर इसके रिटर्न की बात करें तो इसके साल के रिटर्न लगभग काफ़ी खतरनाक रिटर्न है, 600% इसने कंपनी रिटर्न दिए हैं। लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली है। अगर हम इसकी बात करें कि कंपनी कैसी है, ये कॉन्ग्लोमेरेट्स में काम करती है कंपनी, और कंपनी जो है स्मॉल कैप कंपनी है, 3446 करोड़ रुपये का इसका मार्केट कैप है। अगर इसके पी और पी बी रेशियो बात करें तो इसका पी रेशियो बहुत ज़्यादा कम है सेक्टर के पी से कंपेयर करें, 55.92 सेक्टर का पी है, और इसका पी 3.15 है। और पी बी रेशियो की बात करें, पी बी रेशियो भी इसका सेक्टर के पी बी से कम है। पी रेशियो कम होने का क्या रीज़न है? कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस में है, कर्जे में है, इसलिए कंपनी लॉस में, इसका पी जो है कम है। ये कंपनी अगर आगे तरक्की करती है, अच्छा गेन करती है, तो ये पीई हमें बहुत जल्दी ऊपर देखने को मिलेगा। इसमें कोई भी दोराय नहीं है, डिविडेंड का इसमें कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है। अगर हम इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देखें तो फाइनेंशियल लास्ट ट्रेड से कंपेयर करें तो इसका जो है प्रॉफिट देखें, पहले कम हुआ करता था, लगभग ये गिरावट में था, 5.56% माइनस में था। अभी जो इसका है आप देखें, प्रॉफिट में कंपनी आ रही है धीमे धीमे करके। इसका लगभग 153.58% का प्रॉफिट देखने को मिला है इस साल, और 18.22% का रेवेन्यू भी देखा गया है। और अगर फाइनेंशियल कंपनी को देखें कि फाइनेंशियल कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है, कितना लॉस खाया है, कितना गेन किया है, तो हम देखें टोटल रेवेन्यू जो है इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है 19 फाइनेंशियल ईयर से, और 20 में देखें तो 2020 में इसमें 11,056 की बढ़ोतरी मिली है, लगभग 2,000 के आसपास बढ़ोतरी मिली है। और नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम पहले इसकी माइनस में हुआ करती थी, माइनस का 2,044, जो अभी जाके प्लस में आ गई। सबसे जो इसकी कंपनी प्लस पॉइंट जो है ये है कि कंपनी धीमे धीमे पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव दिखा रही है अपने इस पॉजिटिव, मतलब मैं बोलना चाहूंगा कि कंपनी प्रॉफिट में आ रही है। और अर्निंग पर शेयर देखें तो अर्निंग पर शेयर भी इसकी पहले नेगेटिव में हुआ करती थी, माइनस का 8.41, और अब जो है 4.50 का इसका अर्निंग पर शेयर होगा है, मतलब कंपनी अब धीमे धीमे प्रॉफिट में आ रही है, और कंपनी से आगे काफ़ी अच्छी उम्मीदें कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा एक बात और, वो कि ये कंपनी जो है काफ़ी ज़्यादा कर्जे में है, तो इसकी जो सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है, इस ग्रुप को, जेपी ग्रुप को। और इसका मैंने आपको एक शायद खबर सुनने को मिली होगी कि जो उसका एनबीसी जो कंपनी है इसकी, वो इसकी बिडिंग चल रही है। आपको बता दें जो इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा धक्के वाली बात दी है, इसको काफ़ी थोड़ा सा धक्का लगा इस कंपनी को, क्योंकि अगर वो कंपनी बिकेगी तो उसको थोड़ा सा मतलब दुख तो होगा, लेकिन ये है कि कंपनी थोड़ा कर्जे से निकलेगी, इसमें भी कोई दोराय नहीं है। कंपनी का अगर आप बात करें कि होल्डिंग की देखें तो होल्डिंग जो है प्रमोटर होल्डिंग इसमें लगभग 38.47% की है, जिसमें से लगभग 7% के आसपास जो 7.75% है वो गिरवी पड़ी हुई है। म्यूचुअल फंड की इसी बहुत कम इसमें होल्डिंग है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशन और डीआई की इसमें ठीक ठाक होल्डिंग है। डीआई की इसकी जो होल्डिंग है वो 1.74% की है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशन की इसमें 0.96% के आसपास की होल्डिंग है। ज़्यादा जो होल्डिंग है वो किसके पास है? रिटेलर्स के पास में 58.82% की होल्डिंग इसमें है। तो अगर हम थोड़ा चल के देखें कि कैसा कंपनी के क्या हाल है, आगे क्या कर सकती है कंपनी, तो इसके मैं आपको बता दूं कि ये जो है कंपनी अभी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने के लायक है। अभी अगर शॉर्ट टर्म में आप खेलना चाहते हैं, आप पर आपका रिस्क बहुत ज़्यादा कम है, आप मतलब ज़्यादा रिस्क नहीं उठा सकते हैं, आपके पास मतलब ज़्यादा पैसा, आपका लिमिटेड पैसा है, तो आप इसमें अभी इन्वेस्ट ना करें, मेरी यही सलाह है।
मैं आपको फिर से बोलना चाहूंगा कि आप इसमें अभी के लिए फिलहाल थोड़ा रुक जाए, क्योंकि कंपनी थोड़ा थोड़ा धीमे उड़ जाए पहले थोड़ा सा, फिर आप इसमें थोड़ा इन्वेस्ट करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि इसका अगर मैं चार्ट पे आपको दिखाऊं तो अभी जो अगर शॉर्ट टर्म में आपको दिखाऊं, ये का जो RSI था मैं दिखाऊं आपको 88 के आसपास पहुंच गया था एक टाइम पे, 87 के आसपास कंपनी अच्छी लग रही थी, फिर ये थोड़ा सा दो दिन लॉस करके खा गया। अगर आप अगर एकदम से इसका देख के कि RSI बहुत बड़ा है आप पैसा लगाए थे तो आपका पैसा डूब जाता, ये इसमें कोई दोराय नहीं है। तो आपसे मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप इस कंपनी में थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए देखें, अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो आप इसमें लगा सकते हैं, आपका अपना रिस्क आपका ठीक ठाक उठा सकते हैं तो आप इसमें पैसा लगाएं। अगर आप रिस्क ज़्यादा नहीं उठा सकते तो इसमें पैसा इन्वेस्ट ना करें, मेरी आपसे यही सलाह है। लॉन्ग टर्म के लिए इसमें देखें रुपये आपके पास ठीक ठाक है तो, वरना अभी इसमें थोड़ा रुक जाएं, थम जाएं, ज़्यादा लालच मत करें। इसमें कंपनी अच्छी है, इसमें कोई बात नहीं, कोई दोराय नहीं है, लेकिन अभी जो है इसकी हालत थोड़ा खस्ता समय में आ रही है और कंपनी लॉस में है, धीमे धीमे अपने लॉस को कवर कर रही है। जैसे ही कंपनी लॉस को कवर कर ले तब जाके आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। और अगर मैं इसमें आपका बात करूँ कि आपके लिए क्या टारगेट होना चाहिए, अगर आपने इसमें पैसा लगा रखा है तो आपका जो टारगेट है, सबसे पहला टारगेट मुझे दिखता है वो दिखता है मुझे लगभग ये कम से कम इसका जो पहला टारगेट रहेगा ये रहेगा 19 रुपये के आसपास का, बता दूं मैं 19 रुपये 60 पैसे के आसपास का आपका पहला टारगेट हो जाएगा। ये टारगेट अचीव होने में थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, लेकिन ये टारगेट बहुत जल्दी अचीव होता हुआ दिखाई देगा। अगर ये कंपनी जैसा भी परफॉर्म कर रही है, धीमे धीमे परफॉर्म अच्छा कर रही है, तो ये टारगेट इसका पहला हो जाएगा 19 रुपये 60 पैसे के आसपास का टारगेट रहेगा। और अभी इसमें गिरावट देखने मिलेगी, अगर आप अपने फ्रेश पोजिशन बनाना चाहते हैं, फ्रेश पोजीशन के लिए आपकी जो पहली जो रहेगी वो रहेगी लगभग 30 रुपये 80 पैसे के आसपास का लेवल फ्रेश पोजीशन के लिए सबसे बेहतर रहेगा। और अगर ये लेवल को तोड़ के और नीचे जाता है तो सबसे अच्छा जो लेवल रहेगा वो रहेगा 10 रुपये 60 पैसे के आसपास का। इस लेवल को तोड़ पाना इस कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। अगर ये लेवल तोड़ता है फिर तो इसकी कंपनी की हालत खराब होने वाली है, ये लेवल इसके लिए बहुत क्रूशल होने वाला है ये लेवल, लेकिन इतनी आसानी से नहीं टूटेगा ये भी बहुत पक्की बात है ये लेवल, क्योंकि बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा इसके लिए। मैं आपको लगा देता हूँ लगभग 10 रुपये 60 पैसे के आसपास का लेवल बहुत क्रूशियल लेवल होने वाला है, इसको नहीं तोड़ेगा यही इससे उम्मीद है आगे। और अगर आप फ्रेश पोजीशन के लिए मैंने आपको बता दिया पहला लेवल 13 रुपये 80 पैसे के आसपास का, दूसरा 10 रुपये 60 पैसे के आसपास का, टारगेट रहेंगे आपके लगभग 19 रुपये 60 पैसे के आसपास के आपके टारगेट रहेंगे। आप इसमें कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहें तो आप रिस्क मैनेज करते हुए अपने स्टॉप लॉस को मैनेज करते हुए और जितना पैसा आप लगा सकते हैं वहन कर सकते हैं इतना लॉस उतना ही पैसा लगाएं, ज़्यादा पैसा इसमें इन्वेस्ट ना करें। इसकी जो दूसरी कंपनी है उसमें जेपी पावर में आप इसका थोड़ा पैसा लगा सकते हैं इसकी बजाय, मेरी यही सलाह है आपको। बाकी इसका ये मैंने आपको बता दिया RSI इसका अच्छा खासा पहुंच गया था, फिर इसने थोड़ा करेक्शन लेना चालू कर दिया है, इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, यही मैं बोलूँगा प्रॉफिट बुकिंग इसमें देखने को मिल चालू हो गई है और इसमें थोड़ा गिरावट देखने को मिली है। अगर आप फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अभी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, यही मेरी आपको सलाह है। यही तक था हमारा वीडियो, और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही हमारे चैनल पर अपना प्यार बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेते हुए इस भी ट्रेड कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।